मैं पुरानी बात याद कराता हूं, हमने 2014 का चुनाव देखा है और 2019 का भी चुनाव देखा है, देखा है ना, याद है ना? 2014 के हालात क्या थे याद है ना? 2019 के हाल क्या थे वो याद है ना? भाजपा के जो घोर विरोधी दल है 2014 हो या 19, वो कितने ही घोर विरोधी थे, लेकिन उन दोनों चुनावों में हमने देखा कि इतनी छटपटाहट नहीं दिखी जितनी आज दिख रही है। जिन लोगों को कुछ लोग पहले अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी पी कर कोसा करते थे, गालियां देते थे, अब उन लोगों को आगे जाकर वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। ये विपक्षी दलों की इन हरकतों से, उनकी घबराहट से साफ है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। चौबीस में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय। इसी वजह से ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं, इसलिए इन्होंने तय किया है कि चुनाव से कुछ महीने पहले किसी भी तरीके से जनता को गुमराह करके, कुछ लोगों को बरगलाकर, झूठे आरोप लगाकर सत्ता हासिल की जाए। आप जरा प्यार से बैठिए भैया, आपका उत्साह जब बूथ में आप जाएंगे वहां उत्साह दिखाना। आजकल जरा ध्यान से सुनिए, आपको मजा आएगा। एक बात मैं आपको बताता हूं, आप बैठिए, आगे आने की कोशिश मत कीजिए भैया, आप बैठिए। आजकल एक नया शब्द बहुत पॉपुलर किया जा रहा है, वो शायद शब्द आपके कान पर भी आया होगा। वो जो नया शब्द पॉपुलर किया जा रहा है वो शब्द है गारंटी। बार बार शब्द आता है गारंटी। भाजपा के कार्यकर्ताओं की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं कि असल में ये विपक्षी दल किस चीज की गारंटी है। जानना चाहिए ना भाई, ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है। ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की।
कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑफ कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। अब दूसरा देखिए, आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। उधर तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से 1,25,000 करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप, रोजवेली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला। बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया, आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बढ़ा दीजिए। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा।
देश स्वीकार करेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दूं? दे दूं? दे दूं? अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है।